हेलो, हेलो। कुछ क्या कर रहे हो? भी नहीं, आप क्या कर रहे हो? मैं ना एक पागल सी लड़की उससे बात कर रहा हूँ। मतलब एक पागल सी लड़की से बात कर रहा हूँ। मतलब आपने पागल मुझे बोला? नहीं, पागल सी लड़की से बात कर रहा हूँ और बात आप फिलहाल मुझसे ही कर रहे हो, तो मतलब मैं पागल हुई ऐसा ना? बेबी, मैंने तो आपको पागल बोला ही नहीं। तो बीबी आपने किसको पागल बोला? मैंने किसी को भी पागल नहीं बोला। फिलहाल तो आपने बोला कि मैं एक पागल सी लड़की से बात कर रहा हूँ, हाँ तो वो सच है ना? तो पागल कौन हुआ? मुझे क्या पता। तो आपने बोला किसको? उस लड़की को जिससे मैं बात कर रहा हूँ। किससे बात कर रहे हो आप? आपसे। तो पागल कौन हुआ? मुझे क्या पता। पागल मैं ही हुई ना? पागल हो क्या? मतलब ये कौन सी बात होती है कि पागल पागल करते रहते हो अच्छा हमेशा? चलो कोई बात नहीं, आप पागल हो तो इट्स ओके, मैं मान मतलब लेता हूँ। मुझे पागल बोलने के बाद कोई बात नहीं बेबी, मैंने यूं बोला कि आप पागल हो। बीबी। आपने वी भी यही बोला कि मैं पागल हूँ। भाई मैंने कब बोला कि आप पागल हो? ठीक है चलो भाई, मैं पागल हूँ बस। मैं कैसे मान लिया कि मैं पागल हूँ? तुम अपनी गलती तो मानोगे नहीं, वो तो बेबी मुंह जोरी। बेबी, कुत्ता कह दो, कमीना कह दो, गाली दे दो, बुरी से बुरी गाली आती है वो दे दो, लेकिन भाई मत बोलो प्लीज। ठीक है ना? मतलब कितना बुरा लगा मैंने भाई बोला तो, आपने मुझे पागल बोला तो ठीक है, मैंने कब बोला? थोड़ी देर पहले ही तो बोला। अच्छा चलो ठीक है, अब वो उस बात पे मिट्टी डालूँ? मेरी बात सुनो ना। हाँ, उस बात पे तो गोबर मिट्टी सब डलेगी अब। मेरी बात तो सुनो। बोलो। वैसे मैं ना आपसे गुस्सा हूँ, क्यों? बस हूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं मैंने तो बता रहा हूँ ना आपको क्या नहीं टाइम, किया। मैंने तो टाइम से कॉल भी कर लिया था सुबह। सुबह आपने कितनी देर कॉल किया था? एक बार कितनी देर कॉल किया था? बस 1 मिनट के लिए कॉल किया था। हाँ तो उसको कॉल करना कहते हैं? किया तो था ना? वो बेबी कॉल करना नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं कि बस, अरे मैं यार कॉल नहीं कर पाऊँगी सॉरी, बस ये बोलना कहते हैं उसको। ठीक है और फिर ना? आपने शाम को भी टाइम से कॉल नहीं किया, क्यों? मैं रीज़न जान सकता हूँ? मैं बिजी थी ना। पिसी थी? कहाँ पिसी थी? बिजी थी मैं। कहाँ पिस गए? पिसी नहीं थी मैं, बिजी थी, व्यस्त व्यस्त। अच्छा ठीक है, इतना जोर से चिल्लाने की बात है आपको इसमें? बिजी समझ में नहीं आया था ना, तो शुद्ध हिंदी में मैंने बता दिया कि मैं व्यस्त किसके थी, साथ बिजी थे? मैं स्टडी कर रही थी। सुबह से लेके रात तक कोई इतनी देर स्टडी कैसे कर सकता है? मैंने ऐसे थोड़ी बोला कि सुबह से लेकर रात तक मैंने स्टडी करी। तो फिर कहाँ बिजी थे? देखो मैंने सुबह स्टडी करी, फिर दिन तक स्टडी करती रही, फिर मैंने अपना लंच किया दिन में, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर वापस से स्टडी करी। अब मैं फ्री होके बैठी हूँ मस्त। फ्री हो के अब बैठे हो ना? हाँ फ्री हो के बैठे हो ना? हाँ जी तुमने बेबी फिर भी कॉल नहीं किया, कॉल मैंने ही किया है। बीबी, अभी 5 मिनट हुए आए हुए। ओए होए, मतलब यार एक बात बताओ, तुमने व्हाट्सएप ऑन किया, तुमने हाइक भी ऑन किया, फिर भी मुझे कॉल नहीं किया, क्यों? तो बीबी अब आपका नंबर ही लगाने आई थी मैं कॉल करने का। तो मेरा नंबर लग नहीं रहा था क्या? बहुत टाइम लग गया मेरा नंबर लगने नहीं में। बीबी, व्यस्त बता रहा था। मेरा नंबर व्यस्त बता रहा था? हाँ मतलब उल्टा चोर कुतवार को डांटे। आई थिंक नेटवर्क इशू होगा ना इसके लिए। बेबी हर बार नेटवर्क इशू आपके मोबाइल में क्यों होता है? पता नहीं क्यों, लगता है मोबाइल से दुश्मनी है मेरी। मेरे मोबाइल में तो कभी नेटवर्क इशू नहीं हुआ। आपका फ़ोन तो कितना स्मार्टफोन है, आईफोन, यहाँ पे तो कितना सड़ा सा फ़ोन है। बेबी फोन का नेटवर्क से क्या कनेक्शन? फ़ोन का नेटवर्क से ही तो कनेक्शन है। यार एक बात बोलूं बोलो। सच्ची मच्ची, तुम लड़कियों से ना हाँ कोई भी नहीं जीत सकता, तो मैं क्या चीज हूँ? बट आप अपना हमेशा मुझसे जीत जाते हो, आपको ये पता होना चाहिए। बेबी अगर जीत जाता तो अभी जीत जाता ना। वो नहीं, आप मुंह जोर हो। मैं मुंह जोर नहीं हूँ, मैं खाली आपके क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ सिर्फ। बेबी इसको मुंह जोर ही कहते हैं। वो तो आप हो ना, आपको तो पता ही है। आपको एक बात बताऊं, बोलो। मैंने सुबह से लेके ना आपको बहुत सारा मिस किया, है सच्ची मुच्ची सच्ची मुच्ची, और मैं ना आपकी भी आवाज़ सुनने के लिए भी तरस गया था। है? हाँ सच्ची बोल रहा हूँ तो मतलब आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया सुबह से? बेबी, मैं कॉल कैसे कर सकता हूँ? हाथों से। सुबह आपको पता है ना कि आपके भाई वगैरह का वो होता है, अभी भी रात को जैसे तैसे डर के फ़ोन करता हूँ। मतलब किया तो सही, मुझे तो लगा आप मुझे भूल ही गए हो, कॉल ही नहीं करोगे, मेरी तो आपको याद ही नहीं आती है। ये सारे डायलॉग मेरे होने चाहिए, बिकॉज मैं तो फिर कॉल नहीं कर सकता एकदम से, वो तुम्हारा फैमिली इशू है। तुम तो मुझे कर सकती हो, तुम करती नहीं हो, इतना गुस्सा आता है ना मुझे। बेबी मैं बिजी होती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तभी मैं कॉल करती हूँ ना।
और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा भाई भाई का कोई सिस्टम नहीं है, मतलब वो नहीं चलाते हैं, तुम जानबूझ के मुझे टाइम नहीं देती हो। नहीं पागल हो क्या, मैं आपको टाइम क्यों नहीं दूंगी? जो वो चिल्लाते हैं इसके लिए तो मैं बात नहीं कर पाती हूँ आपसे। मुझे तो ये सब बातें झूठ लग रही है। नहीं बेबी ये सब बातें सच्ची है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुमने मुझे उस दिन कही थी कि अब बड़ा वाला भाई भी आ गया है तो बात बात नहीं हो पाएगी रात को, राइट? उसके बाद फिर तुम मुझे मतलब कॉल पे बात करने लगी, कैसे कैसे? वो ना भाई ना थोड़ा बिजी रहता है ना, काम वाम पे चले जाता है बार बार घूमने घूमने, तो मैं कॉल कर लेती हूँ फटाक से आपको। बेबी झूठ तो नहीं बोल रहे ना? पागल हो क्या, मैं आपसे झूठ बोलूँगी आपसे? बिकॉज आई रियली लव यू यार, वो काफ़ी मिस करता हूँ मैं आपको, जब फ़ोन नहीं आता है मैं काफ़ी मिस करता हूँ। मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ बेबी, आई लव यू टू। और एक बात समझ में नहीं आ रही, ये कब ख़त्म होगा? अभी लोग बोल रहे हैं और फिर बढ़ेगा और फिर बढ़ेगा। हाँ मैंने भी देखा था कि और बढ़ेगा यार, एक वीडियो कॉल तक नहीं हो पाती, मिलना तो दूर की बात। कोई बात नहीं है, लगता है हमारा गॉड है ना हमारी परीक्षा ले रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं हमारा। तो एग्ज़ाम में आपको ये लगता है आप पास हो गए? लेकिन ये कैसा एग्ज़ाम है, इसमें तो अगर हम मतलब चीटिंग करना चाहें तो नहीं कर सकते, मतलब इसमें तो अगर हम एग्ज़ाम है कपल्स के लिए सिर्फ, ये कैसे, इसमें तो हमें मतलब पास ही होना पड़ेगा ना। हाँ मतलब मार्क्स देखते हैं ना किसके ज़्यादा अच्छे आते हैं, हम चीटिंग कर सकते हैं। मतलब पूछो कैसे चीटिंग करेंगे? कैसे? जैसे कि हमने फैमिली से छुप के कॉल कर लें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वीडियो कॉल कर लें, या फिर हम आपस में बात कर लें, तो ये चीटिंग हुई ना, ये तो गॉड तो सब देख रहे हैं, फैमिली ने देखी तो ये चीटिंग हुई, तो इससे हमें गॉड कम मार्क्स देंगे। आपका कहने का मतलब है कि हम मिल नहीं सकते, कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, और हम वीडियो कॉल तो कर ही नहीं सकते, अब जो कॉलेज में बात होती है वो भी बंद कर दें? यही तो एग्ज़ाम है, कितना टिपिकल एग्ज़ाम है ये, सिर्फ कपल्स के लिए आपको पता है। मतलब कॉलिंग पे बात करते हैं वो भी बंद कर दें? हाँ अरे हाँ मजाक चल रही है, जैसी तैसी कॉलिंग बात होती है वो भी बंद कर दें। देखो ये एग्ज़ाम तो गॉड जी ले रहे हैं हमारा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपका बात करने मन ही नहीं होता है? पागल हो क्या, ऐसा थोड़ी है। नहीं मैं देखता हूँ ना, मुझे मैसेज करते हो ना कुछ, कॉल भी मैं करूँ तो करूँ वरना कोई बात नहीं। तो बेबी फैमिली होती है। अच्छा बेबी सारी फैमिली प्रेशर आपके ऊपर ही है? वैसे मैं आपको बता दूँ आपका पर्सनल रूम है बेबी, आप वहाँ पे मुझे अगर चाहो तो अपनी तरफ से कॉल मैसेज कर सकते हो। पता है ना आपको छोटा भाई मेरा घूमता रहता है इधर से उधर। अरे अरे वो तो जैसे ही पूरा जासूस ही हो रहा है आपके पीछे। थोड़ा सा भी किसी को शक हो गया ना आपको अंदाजा नहीं है कि क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं भी नहीं जानती। वही वाली धमकी दोगे आप कि मेरा बड़ा भाई बहुत बहादुर है, हिम्मत वाला है, वो आपकी हड्डियाँ तोड़ देगा। तो मैडम मैं आपको बता दूं, मैं नहीं चाहती ना कि आपके संग इतना बुरा हो जाए। अच्छा सुनो, बोलो। आई लव यू। आई लव यू टू। एंड आई मिस यू यार। आई मिस यू टू। आपको क्या लगता है मेरा आपसे बात करने का मन नहीं करता? आपसे ज़्यादा मन करता है मेरा आपसे बात करने का। मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता। प्रॉब्लम भी तो समझो यार, फैमिली होती है और क्या, बस तुम्हें बस एक ही चीज़ पूछो तो एक ही चीज़, फैमिली होती है फैमिली होती है, फैमिली के ही प्रॉब्लम दिखाते रहना। फिर किसके दिखाऊँ, देखो बाहर जा नहीं सकते अभी ऐसे टाइम में है ना, और घर में रहेंगे तो सब फैमिली भी रहेगी घर में, अकेले बैठ नहीं सकते, अकेले बैठेंगे तो फैमिली मम्मी पापा बोलेंगी अकेले क्यों बैठी है, इधर आ जा टीवी देख ले, हमारे संग बैठ जा बातें कर ले, ये हो ये कर ले वो कर ले, तो सब चीज़ में प्रॉब्लम है ना, समझो भी तो सही यार। आई मिस यू ना। आई मिस यू टू। बस मुझे नहीं पता यार, कैसे भी करके ये सब ख़त्म कर दो, मुझे आपसे मिलना है बस। तो आपको लगता है मुझे नहीं मिलना है आपसे? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे आपसे मिलना है, बात खत्म। मुझे भी आपसे मिलना है, बात खत्म। हाँ तो ये सब खत्म करवाओ ना यार, मतलब मैं कैसे खत्म करवाऊँ, ऐसे तो मैं भी जिद पकड़ लूँ, नहीं नहीं मुझे आपसे बात करनी, नहीं नहीं मुझे आपसे मिलना है, तो फिर ऐसे थोड़ी ना चलेगा। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे आपसे मिलना है, बात खत्म। देखो देखो एक बात बताऊँ, गॉड जी हमारा एग्जाम ले रहे हैं, इसकी पनिशमेंट गॉड जी थोड़ी देंगे, पता है इसकी पनिशमेंट कौन देगा? कौन? हमारी फैमिली। तुम बीच में बार बार फैमिली को क्यों ले आती हो? नहीं पूछो फैमिली कैसे देगी। तुम मुझे डराना चाह रहे हो? पूछो तो सही फैमिली कैसे देगी। कैसे? देखो गॉड जी को तो पता ही है कि हम चीटिंग कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर फैमिली को पता चल गया कि हम चीटिंग कर रहे हैं तो फिर पता है ना चीटिंग में आपकी हड्डियाँ और मेरी हड्डियाँ दोनों क्रैक हो जाएंगी। बस यही धमकी देना तो मेरी हड्डियाँ तोड़वाने की, और कुछ नहीं कर सकते। मैं अकेले आपकी थोड़ी बोल रही हूँ बेबी, मैं अपनी भी तो बोल रही हूँ कि मेरी भी हड्डियाँ साथ में क्रैक होंगी। अच्छा सुनो, बोलो। ये बात बोलूँ? बोलो। आई लव यू सो मच यार। आई लव यू टू। सुनो ना। बोलो ना। ये सब चलती है ठीक हो जाए ना, फिर मिल लें अपन।
मैं भी जल्दी से वेट कर रही हूँ, जल्दी से कब ठीक हो, कल जल्दी से हम कभी मिले। मिस यू यार, मिस यू टू। अच्छा चलो ठीक है भाई, आ गया, फोन रखती हूँ ना मैं। तो ही तो बात कर लो ना। हेलो, अरे भाई आ गया। हेलो,